ये सब पढ़े लिखे हैं, ये ना सोचो कि ऐसे कपड़े पहने हैं तो पढ़े लिखे नहीं हैं, सब पढ़े लिखे हैं और मोदी जी से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। उनकी तो डिग्री भी नहीं कोई दिखा सकता, इनके तो पास डिग्रियाँ ही डिग्रियाँ हैं। किसान यूनियन के 35 लोग हैं, उनमें से सारे पढ़े लिखे हुए हैं जो हेड हैं यूनियन के, 2-3 तो वकील भी हैं। आउटकम अभी तक तो नहीं लग रहा, बिकॉज अगर करना भी होता तो पहले दिन ही कर सकते थे। 26-27 का पहले किसानों ने बोला हुआ था, तो उनको काफ़ी टाइम था सरकार को सोचने का कि 26-27 को इतनी दूर से लोग आ रहे हैं तो पहले ही कुछ सोच लेना चाहिए था। पर अभी एक तरफ तो मोदी जी बोल रहे हैं कि फार्मर्स के लिए बहुत अच्छे कानून है, इधर वो अमित शाह जी बोल रहे हैं कि हम बैठने के लिए तैयार हैं। तो अपनी सरकार में ही दो जने अलग अलग बातें कर रहे हैं और इनका मकसद यही है कि इनको बलखाना, और ये किसान वो सोचते हैं कि अनपढ़ है, उनको हम जैसे मर्जी बोलेंगे तो वो सुनेंगे। घबरा गए हैं, एक तो किसानों ने सारे बॉर्डर्स रोक रखे हैं और वो ये मोदी सरकार थोड़ा घबरा गई है क्योंकि उन्होंने बॉर्डर सील कर दिए तो खाना पानी का सामान कहाँ से आना है। तो एक तो ये डर है, एक किसान बड़े अच्छे मतलब कि पंजाब में बैठे थे 2 महीने से, बड़े पीसफुली बैठे, तो इन्होंने वो सोचा कि वहाँ पे बैठे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब उन्होंने अपनी बात तो मनवानी है ना, दो महीने वहाँ पे बैठ के देख लिया कोई असर नहीं हुआ, अब उन्होंने सोचा कि यहाँ पे किसान बैठ के चले जाएंगे, उनको क्या है थोड़ी देर बैठेंगे और फिर चले जाएंगे, पर यहाँ पे वो मन बना के आए हैं कि अपने ये काले कानून वापस करें। बिहार में उन्होंने अप्लाई करके देख लिया 2006 में, उससे क्या हुआ वहाँ बिहारी अब सारे पंजाब क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ के 10 एकड़ वाला जिमीदार भी वहाँ पे अपने फसल अच्छे दामों पर नहीं बेच सकता, तो यहाँ पे पंजाब में क्यों आ रहे हो काम करने के लिए, तो ये अब पंजाबियों को क्यों ऐसा कर रहे हैं। ये कहा गया है गवर्नमेंट और मीडिया की तरफ से कि ये सारे मिसलेड हैं, सबको बरगलाया गया है, कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं एज अ वोमन हु बिलोंग्स टू पंजाब? आई बिलोंग टू पंजाब, मैंने तो वहाँ पे 2 महीने से धरनों में पार्ट ली है एक दो जगह पर, वहाँ पे अगर बरगलाया हुआ तो इतनी देर नहीं बैठते, सबको एक एक किसान को पूछ लो, सबको पता है ये काले कानूनों का क्या मतलब है, इतनी दूर आता कोई दिल्ली को इतनी आसानी से कोई नहीं आ सकता, सारे अपने बोरिया बिस्तरा लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं और ठंड के दिनों में, मुझे नहीं लगता ये सारे, ये तो ये सब पढ़े लिखे हैं, ये ना सोचो कि ऐसे कपड़े पहने हैं तो पढ़े लिखे नहीं हैं, सब पढ़े लिखे हैं और मोदी जी से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनकी तो डिग्री भी नहीं कोई दिखा सकता, इनके तो पास डिग्रियाँ ही डिग्रियाँ हैं। किसान यूनियन के 35 लोग हैं, उनमें से सारे पढ़े लिखे हुए हैं जो हेड हैं यूनियन के, 2-3 तो वकील भी हैं, अब मुझे बताओ उनको कैसे कहोगे कि पढ़े लिखे नहीं हैं, सब पढ़े लिखे हैं पंजाब के लोग, वो होएंगे कोई और जगह से जब नहीं पढ़े लिखे, यहाँ से सब पंजाबी जानते हैं क्या कानून और सबसे ज़्यादा जानते हैं।